स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, और प्लांट हार्मोन के आज दो कैटेगरी देखने वाले हैं, ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर्स में स्टूडेंट्स अब तक हमने देख लिया है ऑक्सिन के बारे में और जिबरलिन के बारे में, और आज हम देखने वाले हैं साइटोकाइंस के बारे में और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स के बारे में। तो स्टूडेंट ऑक्सिन का काम क्या है और जिबरलिन का क्या काम है वो हमने देखा है। ऑक्सिन है हमारा अपाइकल मेरिस्टेम की ग्रोथ करता है, यानी शूट टू शूट रेशो को बड़ा करता है अपर पार्ट को, और जो हमारा जिबरलिन है वो स्टेम इलोंगेशन में मदद करता है, और बहुत सारे फंक्शन है जैसे कि सीड जर्मिनेशन, फ्रूट राइपनिंग, और बहुत सारे फंक्शन है जिबरलिन के। पर आज हम देखने वाले हैं हमारा तीसरा हार्मोन जो है साइटोकाइंस। तो स्टूडेंट अभी हम देखने वाले हैं साइटोकाइन क्या करता है। साइटोकाइन का सबसे मेन फंक्शन है स्टूडेंट सेल डिवीजन। क्या करता है स्टूडेंट, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, और सेल डिवीजन के अंदर इसके अंदर नेचुरली ऑकरिंग तीन साइटोकाइंस है। एक है जियातिन, दूसरा है डाइहाइड्रो जियातिन, और तीसरा है ट्राइकैनेथिन। ये तीनों नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिंस है जो हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन करते हैं। प्लांट को ग्रो होने के लिए सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये पूरे सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर हमारा साइटोकाइन इन्वॉल्व होता है। तो ये था साइटोकाइन के बारे में। अभी हम देखेंगे साइटोकाइन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट साइटोकाइन का फिजियोलॉजिकल सबसे पहला इफेक्ट है कि सेल डिवीजन, दूसरा है स्टूडेंट मॉर्फोजेनेसिस। क्या है मॉर्फोजेनेसिस? तो स्टूडेंट मॉर्फोजेनेसिस क्या है? मॉर्फोजेनेसिस है कि ऑर्गन फॉर्मेशन, जैसे कि लीव फॉर्मेशन, स्टिग्मा, पेटल्स, ये सब ऑर्गन है। प्लांट ऑर्गन फॉर्मेशन को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट फॉर्म होने को मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, और उसके अंदर हमारा साइटोकाइन इन्वॉल्व होता है। और तीसरा है टेम्परेचर रेजिस्टेंट, यानी कि प्लांट को ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाता है हाई और लो टेम्परेचर के हिसाब से। और इसका चौथा है स्टूडेंट अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि ये अपाइकल मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ में भी मदद करता है। और पांचवा और लास्ट है कि ये डिले द सेंसेंस। क्या करता है ये? डिले द सेंसेंस। और आप सोच रहे होंगे सेंसेंस क्या है? डिले सेंसेंस मींस सेंसेंस एक फिनोमिना है जिसमें एब्सेशन रेल फॉर्म होती है या सेंसिन रेल फॉर्म होती है, कि जैसे कि एक प्लांट है स्टूडेंट, ये प्लांट है, ये फ्रूट है, तो यहाँ पर जो सेंसेंस रेल लेयर फॉर्म होंगी उसके बाद ये फ्रूट गिर जाएगा ये राइप होने के बाद। तो ये लीव्स के अंदर भी होता है कि ये लीव्स की जो लेयर है स्टूडेंट, ये सेंसेंस लेयर, ये अगर यहाँ फॉर्म हो गई एब्सेशन रेल या सेंसेंस लेयर, तो ये लीव अपने पार्ट से प्लांट से टूटकर गिर जाता है, तो इसे कहते हैं सेंसेंस। पर ये डिले कर देता है। कौन डिले करता है? साइटोकाइंस से डिले कर देता है। तो ये था हमारा साइटोकाइंस के बारे में, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन था, ग्रोथ प्रमोटर था। अगला हार्मोन है, आपने सबने सुना होगा, वो है इथिलीन। इथिलीन और इथिलीन एक गैस हार्मोन है स्टूडेंट्स। ये प्लांट के अंदर सीक्रेट होता है पर गैस फॉर्म में, और गैस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट इथिलीन का क्या है? एक ही काम है इसका, फ्रूट राइपनिंग। हमारे जितने भी फ्रूट्स है मार्केट में स्टूडेंट, उसे राइप करने के लिए इथिलीन गैस का यूज होता है, और इथिलीन गैस को यूज करके फ्रूट राइपनिंग किया जाता है। पर इथिलीन हार्मोन एक ग्रोथ इनहिबिटर भी है स्टूडेंट्स। तो कैसे है वो देखेंगे। इथिलीन हार्मोन बना होता है लिनोलिक एसिड, जो एक फैट है या फैटी एसिड है, और इससे हमारा इथिलीन हार्मोन बना होता है। और ये क्या करता है? ये एब्सिशन फॉर्मेशन करता है प्लांट के अंदर, प्लांट को एब्सिशन लेयर फॉर्म करने में मदद करता है। तो ये स्टूडेंट राइपनिंग में यही करता है कि प्लांट को जल्दी से राइप करके एब्सिशन लेयर फॉर्म कराता है।
और इथिलीन गैस फॉर्म में भी एग्जॉस्ट से, जो हमारे व्हीकल्स है उसके एग्जॉस्ट में भी इथिलीन गैस निकलती है और वो हमारे प्लांट को डैमेज करती है और ये एक ग्रोथ इनहिबिटर है। तो स्टूडेंट्स ये था एक ग्रोथ इनहिबिटर, जो हमने ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है और ये गैसियस फॉर्म में रहता है, वो है हमारा इथिलीन। हमारा अगला ग्रोथ इनहिबिटर है स्टूडेंट, वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन स्टूडेंट? इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और ये क्या करता है, ये प्लांट के अंदर एब्सिशन करता है, यानी कि एब्सिशन लेयर फॉर्म कराता है और प्लांट को जल्दी से जल्दी इसके एजिंग करवा कर इसे ड्राई करवा देता है। तो ये है एब्सिशन हार्मोन और ये स्ट्रेस कंडीशन में ज्यादा प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेस हार्मोन है। क्लोरोकोलीन क्लोराइड, और स्टूडेंट इसे CCC भी कहते हैं और ये बहुत ही डिटेरियस इफेक्ट है स्टूडेंट इसका। ये क्या करता है, ये जिबरलिन का फॉर्मेशन ही नहीं करना पाता, ये इनिबिट द जिबरलिन बायोसिंथेसिस, ये जिबरलिन का बायोसिंथेसिस ही रोक देता है। और जिबरलिन का बायोसिंथेसिस रुकने पर प्लांट इलोंगेट ही नहीं होगा, प्लांट डॉर्फ रह जाएगा और ये ऐसी प्लांट की ग्रोथ इनिबिट करता है। और स्टूडेंट हमारा तीसरा ग्रोथ इनिबिटर है मैलिक हाइड्राजाइड, और ये क्या करता है, ये ग्रास की ग्रोथ को इनिबिट करता है। ये एज अ हर्बिसाइड भी यूज किया जाता है और ये ग्रास और ऑनियन के इंटरनोड्स को, ऑनियन के नोड्स को बढ़ने नहीं देता, ये नोड्स कर्व हो जाते हैं ऑनियन के अगर उस पर मैलिक हाइड्राजाइड का असर हो जाए। तो स्टूडेंट मैलिक हाइड्राजाइड क्या करता है, जैसे कि ये हमारा ऑनियन का लीफ है या ऑनियन का नोड है, तो स्टूडेंट मैलिक हाइड्राजाइड की वजह से ये नोड ऐसा हो जाता है और ये ग्रो नहीं होता और यहीं पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और ये ग्रास में भी सेम इफेक्ट दिखाता है, इसे एज अ हर्बिसाइड भी यूज करते हैं जो अनवांटेड वीड्स होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो स्टूडेंट आज हमने देखा हमारे ग्रोथ हार्मोन, जिसमें हमने साइटोकाइंस पढ़ा, इथिलीन पढ़ा और ग्रोथ इनहिबिटर्स के अंदर हमने देखा एब्सिसिक एसिड जो स्ट्रेस हार्मोन है, एब्सिशन लेयर फॉर्म करता है, प्लांट को इनहिबिट करता है, सीसीसी क्लोरोकोलीन क्लोराइड जो जिबरलिन को इनहिबिट करता है, और हमारा लास्ट का मैलिक हाइड्राजाइड जो एज अ प्लांट वीड इनहिबिटर है, ग्रास इनहिबिटर है, नोड्स को कर्व कर देता है। तो ये था हमारा लेक्चर प्लांट हार्मोन के बारे में, जिसके अंदर मुझे आशा है कि आपका कंसेप्ट ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के बारे में पूरा हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।